हे गाइस दिस इज़ एस के वेलकम बैक टू द टेक्निकल एवेंजर्स तो फाइनली आज हम अपने एम आई एवन में फ्लैश करेंगे मी वाई ट्वेल्व की जी एस आई कैसे फ्लैश करनी है फ़्लैश करने के लिए कौन कौन सी फ़ाइलें चाहिए होंगी सब बताऊंगा वीडियो में आगे तो वीडियो स्किप मत करना बने रहना वीडियो के अंत तक ठीक है क्योंकि आपने कुछ अगर स्किप वगैरह कर दिया और कुछ मिस हो गया आपसे तो आपको परेशानी हो सकती है फ़ोन आपके इंस्टॉलेशन में एरर्स आ सकते हैं जो कि सही नहीं होगा वीडियो में जो भी फाइल्स और एप्स दिखाए जाएंगे उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बाकी बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चलते हैं अपने एम आई ए वन में मी वाई ट्वेल्व की जी एस आई फ्लैश करने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में मैं आपको कुछ फाइलें बता देता हूँ एस डी कार्ड में चलते हैं ये रही फाइलें देखो ये कुछ फाइलें हैं ये आपको चाहिए मी वाई ट्वेल्व की जी एस आई टेरेबल मोड वाला जो है टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉलर ज़िप और टेरेबल मोड वाली टी डब्ल्यू आर पी की बूट जिप ठीक है ये वाली जो बूट ज़िप है इसको हम अपने सेकेंडरी डिवाइस में कॉपी कर लेंगे क्योंकि उसी के थ्रू ये फ्लैश होगी उसके बाद हमें चाहिए मैजिक्स मैनेजर का लेटेस्ट वर्जन आप गूगल पे जाके कर सकते हैं बाकी डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक दे ही दूँगा इस ऐप को क्या करेंगे इस पर क्लिक करके इसको ज़िप में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे करेंगे क्लिक करा मोर पे गए रीनेम पे गए ए के लिखा है इसको डिलीट करके यहाँ पे लिखेंगे जिप ओके अब देख सकते हैं आप ये ज़िप में कन्वर्ट हो गई है ठीक है उसके बाद यह हाइपर कैम का एप है इसको ऐसे रखेंगे ये हमारी हार्डवेयर बटन लाइट फिक्स है फाइव सेकंड की और ये कैमरा एरर फिक्स की फ़ाइल है तो ये सारी फ़ाइल हमें चाहिए उसके बाद हम चलेंगे सेटिंग में सेटिंग में चल के सिस्टम पे जाएंगे अबाउट फोन में जाएंगे, अपने बिल्ड नंबर पे छः सात बार टैप करेंगे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपका बैक लेंगे एडवांस ओपन करेंगे डेवलपर ऑप्शन ओपन करेंगे ऊपर करेंगे अगर आपका ये ओ ई एम अनलॉकिंग का ऑप्शन शो हो रहा है जैसे मेरा शो नहीं हो रहा ओ ई एम अनलॉकिंग का क्योंकि मेरा बूट लॉडर ऑलरेडी अनलॉकड है अगर आपका अनलॉकड है ऑलरेडी तो आपका भी ऐसा शो होगा अगर आपका अनलॉकड नहीं है तो आपका जैसे नॉर्मल ऑप्शन शो हो रहे हैं ऐसा शो होगा आपको सिंपली टैप करके ऑन कर लेना है इससे क्या होता है हमें परमिशन मिलती है बूट लॉडर अनलॉक करने की उसके बाद थोड़ा ऊपर करेंगे यूएस बी डी पगिंग लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे पॉपअप आ गया ओके पे क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा अब बैक लेंगे अब आपके फ़ोन में जो भी अकाउंट आपने लॉग इन कर रखे हैं उन अकाउंट को आप लॉग आउट कर लेना लाइक गूगल अकाउंट एम आई अकाउंट या जो कुछ भी है उन्हें लॉगआउट कर लेना अब बैक लेंगे ठीक है मैंने फाइलें आपको दिखाई दी अब सिंपली अपने फ़ोन को जो है स्विच ऑफ़ करेंगे ये हो गया अब पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन साथ में दबाएंगे और अपने फास्ट फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे बूट कर लेंगे अब इसे रखेंगे साइड में अब चाहिए हमें सेकेंडरी डिवाइस आप कोई सा भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डिवाइस मेरे पास नोट फोर है तो मैं वो यूज़ करता हूँ ठीक है उसके बाद हमें नोट फोर में चाहिए दो एप्लीकेशन बगजिगर ऐप और Z Archiver, ठीक है ऑन करेंगे सॉरी so, ओपन करेंगे ओके okay. ठीक है अब जो मैंने आपको फाइल दिखाई थी वो ये वाली फ़ाइल है टी डब्ल्यू आर टेरेबल मोड वाली जो टी डब्ल्यू आर पी की बूट ज़िप है वो हमने अपने सेकेंडरी डिवाइस में कॉपी कर लेनी है और उस बूट ज़िप पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर है इस पर क्लिक करेंगे ये देखो ये वाली फाइल एक्सट्रैक्ट करी हमने तो ये बूट इमेज जो है बूट रिकवरी इमेज ये बाहर आ गई अब इस फाइल अब इस इमेज फाइल को हमें फ्लैश करना है कैसे बैक लेंगे एक ओ लेंगे जो अपने सेकेंडरी डिवाइस में कनेक्ट हो जाए और एक अपनी यू जो अपने ए में कनेक्ट हो जाए चार्जर वाले लेंगे जो आपके चार्जर के साथ हो वो तो ज़्यादा सही रहेगा लोकल के मुकाबले उसके बाद ये यू है इसे कनेक्ट करेंगे ए में और ये हमारी है ओ इसे कनेक्ट करेंगे अपने सेकेंडरी डिवाइस में ये हो गया देखो अगर आपने बग जिगर पहले ओपन वगैरह कर रखा हुआ यूज़ कर रखा हुआ तो आपका तुरंत ही होम स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएगा जैसे मेरा आ रहा है ठीक है ओके okay करेंगे अगर आप पॉपअप ना आए आपका तो आप जो है सिंपली मैनुअली ओपन कर सकते हैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ हाँ अब ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हम ये फ्लैश के ऑप्शन में जाएंगे अगर आपको ये शो हो जाए डायरेक्ट तो ठीक है वरना थोड़ा ऐसे स्वाइप वगैरह कर लेना सो हो जाएगा उसके बाद एरो पे जाएंगे क्लिक करेंगे यहाँ टाइप करेंगे हम फास्ट बूट डिवाइसेस आगे का स्पेस हटा देंगे और प्ले बटन दबाएंगे ये नंबर जैसे लिख के आ जाए तो आप समझ लेना आपके डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्टेड है उसके बाद हम टाइप करेंगे फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक अनलॉक क्या है क्या स्पेस हटा देंगे ये कमांड उनके लिए है जिनका बूट लोडर अनलॉक नहीं है ये बूट लोडर अनलॉक करने की कमांड है जैसे आप इस कमांड को फ्लैश करेंगे अगर आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आपके फ़ोन में कुछ एनिमेशन वगैरह बन के आएगी और आपका फ़ोन जो है पूरी तरीके से फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा सब कुछ जो भी आपके फ़ोन में एप्स वगैरह हैं सब कुछ डिलीट हो जाएंगे इवन जो जो आपका इंटरनल स्टोरेज में जो डाटा है पर्सनल डाटा फ़ोटोज़ वीडियोज़ गाने वगैरह जो है वो भी डिलीट हो जाएंगे तो इसलिए ये बूट लोड अनलॉक करने से पहले या कोई भी रोम या कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले अपना जो है पर्सनल तो डाटा जो है उसका बैकअप ले, ले लेना ठीक है अब जैसे हम इसे प्ले करेंगे तो मेरा यहाँ लिख के आ चुका है बूट लोडर डिवाइस ऑलरेडी अनलॉकड ठीक है मेरे फ़ोन का बूट लोडर पहले से अनलॉकड है A1 का अगर आपका भी अनलॉक होगा पहले से तो ऐसे लिख के आ जाएगा नहीं होगा तो बूट लॉडर अनलॉक हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आपके फ़ोन में ये कमांड काम ना करे तो आप डाल सकते हैं फास्ट बूट ओ ओएम अनलॉक इसका स्पेस हटाएंगे इसको फ्लैश कर देंगे दोनों कमांड जो है वो बूट लोड अनलॉक करने के लिए आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद हम करेंगे फास्ट बूट बूट उसके बाद स्पेस इस इसका स्पेस इस डिलीट नहीं करेंगे फास्ट बूट स्पेस बूट स्पेस उसके बाद जो ये क्लिप आपको दिख रहा है ऊपर इस क्लिप पे क्लिक करेंगे यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और अपने इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे अगर आपका इंटरनल स्टोरेज शो ना हो तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे जैसे ये हाइड इंटरनल स्टोरेज लिख के आ रहा है तो शो इंटरनल स्टोरेज लिख के आएगा जैसे क्लिक करेंगे तो आपका शो हो जाएगा ठीक है अब अपनी फाइल पर जाएंगे जो हमने अभी अभी, अभी एक्सट्रैक्ट किए ये हमारी जिप फाइल थी इसको एक्सट्रैक्ट करा था हमारी ये इमेज फाइल बाहर आई थी अब हम इसे पे टैप करेंगे सिलेक्ट हो गए कर लेंगे इसे और प्ले कर देंगे ये हमारी जो है बूट इमेज फ्लैश हो चुकी है टी डब्ल्यू आर पी अभी हमारे ए वन में बूट हो गई है ये हो गई अब हमारे सेकेंडरी डिवाइस का काम ख़त्म हो चुका है इसको साइड में रख देंगे और अपना फ़ोन को डिसकनेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे हम जाएंगे अपने रिबूट में स्लॉट ए को बी कर लेंगे बी हो तो आप ए कर लेना चेंज हो गया बैक लेंगे ठीक है उसके बाद अब हम जाएंगे अपने इंस्टॉल में सिलेक्ट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे मैं अपने एस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे अपने फोल्डर में जाएंगे आपने जो भी फाइल है अपने एस कार्ड में रखनी है इंटरनल स्टोरेज में कुछ नहीं रखना है वरना आपका जब आप फ्लैश करोगे तो वाइप करते समय आपका इंटरनल स्टोरेज डिलीट हो जाएगा करंट वो भी डिलीट हो जाएगा फिर आप बूट लूप में फंस जाओगे ठीक है तो ऐसा मत करना जो भी रखना है एस कार्ड में रखना उसके बाद आप क्या करेंगे इंस्टॉलर जो जे टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉलर की फ़ाइल है इस पर क्लिक करेंगे और इसको फ्लैश कर लेंगे ये हो गया वाइप डेलविक क्लिक करके इसको वाइप कर देंगे बैक लेंगे अब जो है हम जाएंगे एडवांस में एडवांस में जाकर टी मैनेजर में जाएंगे स्वैप टू एग्जीक्यूट में जाएंगे इनेबल टेरेबल में जाएंगे यस yes लिखेंगे और ओके okay कर देंगे देखो ये जो टिस मैनेजर आपको शो हो रहा है ना वो इस वाली टी डब्ल्यू आर पी में ही शो होगा टेरेबल मोड वाली में ठीक है नॉर्मल जो टी डब्ल्यू आर पी है उसमें शो नहीं होगा ये तो अगर आपको जी एस आई फ्लैश करनी है तो आपको टेरेबल मोड वाली टी डब्ल्यू आर पी फ्लैश करनी नेसेसरी भी है और कंपलसरी भी वाइप डेलविक पर क्लिक करेंगे स्वाइप कर देंगे बैक लेंगे रिबूट में जाएंगे और एक बार रिकवरी रिबूट कर लेंगे डू नॉट इंस्टॉल ये हो गया अब हम जाएंगे वाइप में एडवांस वाइप में जाएंगे डेल्विक सिस्टम वेंडर तो अभी है नहीं 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 वेंडर आ गया टेरेबल ऑन कर दिया हमने वेंडर आ गया वेंडर क्लिक करेंगे डेटा क्लिक करेंगे इंटरनल स्टोरेज भी क्लिक करेंगे और स्वाइप टू वाइप कर देंगे फेल्ड क्यों भाई अच्छा अभी आपका फ़ोन इनक्रप्टेड है ठीक है तो बैक लेंगे बैक लेके पहले फॉर्मेट डेटा करेंगे यस yes लिखेंगे यहाँ पे ये हो गया देख सकते आप हो आप सक्सेसफुल हो गया ये ठीक है थोड़ा सा फ़ोन ऊपर करो यार ताकि पूरा दिखे ठीक है अभी शायद आपको दिख रहा होगा हाँ ठीक है तो ये हो गया अब बैक लेंगे अब जाएंगे एडवांस स्वाइप में दोबारा से डेलविक सिस्टम वेंडर डेटा इंटरनल स्टोरेज और स्वाइप अब सक्सेसफुल हो गया पहले फेल्ड हो गया था क्योंकि जब हमने टेरेबल ऑन किया तो हमारा फ़ोन इनक्रिप्टिड था और वैसे भी तो हमें जो है अपने फ़ोन को डिस्क्रिप क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्टेड करना पड़ता है तो पहले फॉर्मेट डेटा करेंगे उसके बाद एडवांस वाइप करेंगे ठीक है बैक लेंगे स्वाइप टू फैक्ट्री रीसेट कर देंगे ये हो गया तो मैं इसीलिए ये बड़ी वीडियो बनाता हूँ ताकि जो कुछ भी हो सही गलत जो है आपके सामने हो अगर आप अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपसे कोई गलती होती है सेम वैसी जैसी मुझसे हो सकती है या हो गई तो आप देख के समझ सको कि हाँ भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं जैसे अभी मैंने वाइप में जा पहले फॉर्मेट डेटा करना था मैं एडवांस वाइप में चला गया तो आप पहले जब आप टेरेबल ऑन कर लो और रिकवरी रिबूट कर लो तो so वाइप में जाना रिकवरी रिबूट होने के बाद वाइप में जाना पहले फॉर्मेट डेटा करना फिर एडवांस वाइप करना फिर स्वाइप टू फैक्ट्री रिसेट करके बैक ले लेना अब हम जाएंगे माउंट में जितने भी टिक लग रहे हैं इन सबको अनटिक करेंगे ठीक है अब हम सिर्फ सिस्टम और डेटा पे क्लिक करेंगे बैक लेंगे इंस्टॉल में जाएंगे सिलेक्ट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे माइक्रो एस कार्ड सेलेक्ट करेंगे अपना ओके okay करेंगे मीआई ट्वेल्व जो अपना फ़ोल्डर बना रखा होगा उसमें क्लिक करेंगे अब हमने देखो इंस्टॉलर जिप सॉरी टी डब्ल्यू आर पी बूट कर ली हमने सेकेंडरी डिवाइस से इंस्टॉलर कर ली ए, वैसे जो अभी आपके सामने ठीक है अब जो ये जिप फाइल सॉरी जी एस आई जो है इस पर क्लिक करेंगे और फ्लैश कर लेंगे इसे फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो होने देना इसे आराम से तो ये हमारी जी एस आई फ्लैश हो गई है अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैजिक्स मैने मैजिक्स ट्वेंटी पॉइंट फोर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है हमारी जो जी है इसमें हमारा मैजिक्स मैनेजर पहले से प्री इंक्लूड है ठीक है लेकिन ये जो वर्जन है ट्वेंटी पॉइंट फोर ये ओल्डर वर्जन है हमें इसको नए वाले से अपग्रेड करना है तो हम वाइप डेलविक पर क्लिक करेंगे स्वाइप कर देंगे बैक लेंगे अब देखो जी एस आई फ्लैश हो गई टी डब्ल्यू आर पे फ्लैश हो चुकी है हमारी ठीक है अब ये जो हमारा मैजिक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी टू पॉइंट ज़ीरो और उस पर क्लिक करेंगे और इसको भी फ्लैश कर देंगे ये होगी हमारा मैजिक्स का जो फाइल थी हमारी मैजिक्स की नई वाली ट्वेंटी टू पॉइंट ज़ीरो फ्लैश हो चुकी है ऊपर सक्सेसफुल भी लिखा चुका है वाइप डेलविक पर क्लिक करेंगे स्वाइप कर देंगे रिबूट सिस्टम लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे टू तो नॉट इंस्टॉल्ड अभी फोन हमारा होगा रिबूट हमारी मी यू वाई ट्वेल्व में ये देखो एम आई का जो मी वाई वाला जो लोगो होता है वो बन के आ चुका है अब इसको स्टार्ट होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी देखो जब आप कोई भी ए, कस्टम रोम या जी एस आई या औरिजिनल फ्रेमवेयर वगैरह जब आप फ्लैश करते हो अपने फ़ोन में तो जो फर्स्ट बूट होता है जो आपका फ़ोन पहली बार स्टार्ट होता है चालू होता तो उसमें ना टाइम लगता है टाइम मेरा मतलब कम से कम पाँच से दस मिनट लग सकते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपका फ़ोन एक बार स्टार्ट हो गया ना जो आपका लोगो आता है कंपनी का जैसे एम आई का लोगो आता है इसमें एवन में तो उसके बाद उसको साइड रख दो तो जब तक लोडिंग हो रही है जैसे ही लोडिंग पूरी होगी वो ऑटोमेटिकली आप आपको फर्स्ट स्क्रीन जो होती है जब हम स्टार्ट करते हैं फ़ोन को उस पर ले आएगा जैसे ये फर्स्ट स्क्रीन है तो देखो इसमें जो है विजार्ड नहीं है विजार्ड होता है ना क्या नाम जिसमें सेटिंग सेटअप करते हैं तो इसमें वो नहीं है इसमें आप नेक्स्ट दबाओगे तो डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाओगे होम पेज पे ठीक है ये आपकी जी हो चुकी है सक्सेसफुली फ्लैश्ड मी वाई आई की मैं आपको एक बार सेटिंग में चल के दिखाता हूँ सेटिंग में चलते हैं माई डिवाइस में चलते हैं ये आप देख सकते हो वी वो आई टवेल्व बाई शाओमी डॉट यू ट्वेंटी पॉइंट फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट बीटा ठीक है ऑल स्पेक्स में चलें तो ये आपका ये कर्नल है ये मी आई वर्जन सिक्योरिटी पैच मिलता है आपको 2020 5 जून का ठीक है उसके बाद जो आपके वो है क्या नाम पर्सनल डिटेल्स वग़ैरह वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपका आई एम आई नंबर वगैरह सब कुछ आएगा इसमें कुछ क्या नाम गायब नहीं होगा ठीक है ए, नेट की बात करें तो नेट आपका वर्किंग है ब्लूटूथ ये भी वर्किंग है ठीक है वर्किंग क्या नहीं है इसमें वाईफाई भी वर्किंग है वैसे लेकिन वर्किंग क्या नहीं है वर्किंग नहीं है इसमें हॉटस्पॉट अभी हॉटस्पॉट आपका एरर दिखाएगा जैसे मैं अभी खोलूँ तो ओपन नहीं होगा इस पर क्लिक करेंगे देखो हॉटस्पॉट एरर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे एरर दिखाएगा इसको कैसे फिक्स करना है आपका ये सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट है इस पर क्लिक करेंगे पासवर्ड दिखा रहा है आप सिक्योरिटी पासवर्ड इसको नाउन कर देना पोर्टेबल हॉटस्पॉट दिखा रहा है इस पर क्लिक करना इसे डिफ़ॉल्ट कर देना और यहाँ से कर देना ओके okay. इसे ले लेंगे बैक ठीक है उसके बाद हम फोन करेंगे री स्टार्ट इस पर बटन प्रेस करेंगे और रिबूट पे क्लिक करेंगे फ़ोन रिबूट कर लेंगे ये हो गया फ़ोन हमारा रिबूट ठीक है अब अगर मैं आपको दिखाऊँ हॉटस्पॉट अपना तो नीचे आ भाई और नीचे अब क्लिक करेंगे तो हमारा हॉटस्पॉट वर्किंग हो गया ठीक है ये तो हमारा हॉटस्पॉट फिक्स हो गया अब अगर चाहें तो आप अपने हॉटस्पॉट्स पे यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो ठीक है अब एक एरर तो ये था इसमें दूसरा एरर क्या है हमारा जो फ्रंट कैमरा है ये एरर करेगा बैक कैमरा सही है पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा काम नहीं करता ठीक ठाक काम करता है लेकिन फ्रंट कैमरा की बात करें तो जैसे ही फ्रंट कैमरा देखो अभी सही है जैसे ही इसके सामने कोई भी फेस आएगा जैसे ये आया तो तुरंत कांट कनेक्ट कैमरा ठीक है ये प्रॉब्लम है अब इसको फिक्स करने के लिए हमें एक फाइल जो थी मैं आपको मैजिक्स मैनेजर में दिखाता हूँ अग्री ओके स्टोरेज में चलेंगे एस कार्ड में चलेंगे अपने फोल्डर में चलेंगे हाँ जो कैमरे की जो एरर है उसको फिक्स करने के लिए हमें जो ये वाली फ़ाइल है इसको फ्लैश करेंगे मैजिक्स मैनेजर के थ्रू ठीक है अब देखो मैजिक्स मैनेजर की जो हमारी ये लेटेस्ट वर्जन था ये ऐप था मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ऐप को हमने रीनेम करके ज़िप में कन्वर्ट किया था अब इसी ज़िप को हम फिर से रीनेम करके ऐप में कन्वर्ट करेंगे क्लिक करेंगे मोर पे रीनेम पे क्लिक करेंगे और इसको ए पी के ओके ओके ये फिर से ऐप हो गया इस पर क्लिक करेंगे अलाओ इंस्टॉल ये हो गया डन ठीक है अब बैक लेंगे अपने मैजिक्स मैनेजर को ओपन करेंगे अब हम यहाँ जो मॉड्यूल लिखा हुआ है मतलब जो साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज है इस पर क्लिक करेंगे अलाउ पे क्लिक करेंगे रिलायंस ले पे क्लिक करके एसडी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे अपने अपने फोल्डर में जाएंगे अब जो हमारी वाली फाइल थी ठीक है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगी नीचे रिबूट का साइन बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे ये रिबूट हो जाएगा तो ये हमारा फोन जो है रिबूट हो चुका है चलो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ फ़ाइल फ्लैश हो चुकी है मैजिक्स में चलते हैं मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे ये देखो हमारी फ़ाइल फ्लैश हो चुकी है अब अगर मैं आपको कैमरा चेक करवाऊँ तो कैमरे पे क्लिक करेंगे बैक तो हमारा प्रॉपर काम कर ही रहा था पोर्ट्रेट मोड जो है वो वर्क नहीं करता इतना अच्छा सिस्टम कैमरा में लेकिन उसका जो है फे जो फिक्स करने का तरीका वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे फिलहाल फ्रंट कैमरा जैसे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं अब कोई एरर नहीं आ रहा आराम से आप यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब एक एरर और है अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो ये नेविगेशन जो लाइट होती है ये ये वर्क नहीं करती इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक और फाइल फ्लैश करनी है स्टोरेज में चलते हैं एच कार्ड में अपने फोल्डर में चलते हैं देखो अब हम कितनी फाइलें फ्लैश कर चुके हैं एक ये कर ली हमने मैजिक्स भी कर लिया टी डब्ल्यू आर पी भी कर ली और जी एस आई भी कर ली ठीक है अब बची ये दो चीज़ें अब हमें करनी है ये वाली हार्डवेयर बटन लाइट फिक्स वाली इसको भी फ्लैश करेंगे हम मैजिक्स मैनेजर के थ्रू मैजिक्स में जाएंगे फिर से मॉड्यूल में जाएंगे सिलेक्ट सॉरी इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में जाएंगे जैसे आप ओप जाओगे ओपन करोगे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज तो आपका जो रिसेंट फोल्डर आपने ओपन करा होगा वो ओपन हो जाएगा दोबारा से ठीक है अगर ना हो तो आप फिर से एच कार्ड में जाके अपना फोल्डर सर्च कर सकते हो ठीक है उसके बाद जो अब ये हार्डवेयर बटन लाइट फिक्स वाली है इस वाले फाइल को हम टैप करके सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगी फिर से रिबूट लिखा है रिबूट पे क्लिक कर देंगे और फ़ोन जो है रिबूट कर लेंगे तो ये हमारा डिवाइस रिबूट हो चुका है अब अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं हार्डवेयर बटन काम कर रहे हैं जैसे स्क्रीन पर टच करूँगा तुरंत तो लाइट जल जाएगी ठीक है ये हो गया अब अगर बात करूँ इन बटन्स की तो वॉल्यूम रॉकर सही काम कर रहे हैं ठीक है मेरे कवर की वजह से थोड़ा टाइट दबाना पड़ रहा है कवर उतार दूँ ज़रा यार एक मिनट ठीक है अब देखते हैं ये सही काम कर रहे हैं ये पावर वॉल्यूम अप ये वॉल्यूम डाउन ठीक है पावर बटन की बात करूं लॉक अनलॉक ये भी ठीक काम कर रहा है ठीक है सेटिंग में चल के मैं आपको दिखा देता हूं पासवर्ड में चल के ये फिंगरप्रिंट और ये फेस लॉक ठीक है दोनों सही काम करते हैं मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ ये फिंगरप्रिंट पे पर चलते हैं पैटर्न ये हो गया डन अब देखते हैं जैसे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करूँगा काफ़ी फास्ट वर्क करता है रखते ही होता है रखते ही जैसे एक बार और करते हैं तुरंत तो ठीक है फेस लॉक की बात करें तो फेस लॉक भी सही काम करे करता है दिखा देता हूँ आपको चेक करके नेक्स्ट ये लोडिंग करेगा कैमरे को चलो भाई स्टार्ट हो जा थोड़ा सा टाइम लेता है ये हो गया फेस रिकॉग्नाइज कर लिया इसने अब फोन ऑफ करा हमने जैसे ही ऑन करेंगे लॉक हो अनलॉक हो गया मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लॉक करा जैसे ही अनलॉक करेंगे फेस देखेगा अनलॉक तो सही काम करता है ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है बाकी आपको एम आई अकाउंट का एक्सेस मिलता है गूगल अकाउंट का मिलता है और कोई और अकाउंट आप एक्सेस करना चाहें फेसबुक वगैरह तो वो भी कर सकते हैं यहाँ प्ले स्टोर मिलता है प्ले स्टोर यहाँ पे दिख जाएगा जैसे आप डाटा आपका कनेक्ट है अगर अच्छे नेटवर्क आएंगे तो ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर अपडेट हो जाएगा आप अपनी आई डी वगैरह साइन इन करके और नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं जैसे आप यूज़ करते हैं तो ये तो हो गया अब बची हमारी एक लास्ट फाइल फाइल नहीं कहेंगे ऐप कहेंगे स्टोरेज में चलते हैं एस कार्ड में और ये मीवाई टी जी एस आई है आ, मतलब सॉरी जी एस आई का फोल्डर है गल गलती से मोशन के लिए था अब हमने सारी फ़ाइलें जो हैं ये सब फ्लैश कर लिए हमने ये सब कर ली अब बचा ये हाइपर कैम इस पर क्लिक करेंगे और अलाउ पे कर क्लिक करेंगे स्कैनिंग करता अभी इंस्टॉल ये हो गया डन बैक लेंगे हाइपर कैम क्लिक करेंगे अलाओ 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 कितने अलाओ मांगेगा ठीक है थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा फर्स्ट बार होता ना तो हल्का सा टाइम लेता बस तो ये हो गया एक बार बैक लेंगे रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करके सारी रीसेंट क्लिक कर देंगे दोबारा से हाइपर कैम ओपन करेंगे आपके बाद डायरेक्ट ओपन होगा कोई वो अलग वगैरह नहीं माँगा ये ठीक है ये हो गया अब जो है अब इसमें आपका पोर्ट्रेट मोड काम करेगा बहुत अच्छे से ठीक है अब अगर जैसे हम फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं ये पोर्ट्रेट मोड में है इस वक्त अब मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करता हूँ क्लिक कर ली फ़ोटो देखते हैं प्रोसेसिंग एस डी आर प्लस ये देख सकते हो आप दो फोटो क्लिक करिए इसने ये नॉर्मल है और ये ब्लड इमेज है ब्लड इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी सही ब्लर कर देता है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी एक हाइपर कैम और है ठीक है उसका भी लिंक दे दूंगा आपको जौन सा सही लगे वो कर लेना ये वाला भी है ये मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वाले हाइपर कैम में थोड़े से ज़्यादा फ़ीचर हैं आप सेटिंग में जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा और जो दूसरा वाला हाइपर कैम है उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो मतलब पोर्ट्रेट वग़ैरह वो अच्छा यूज़ करता है ठीक है तो मैं दोनों के यूज़ लिंक दे दूँगा वो वाला हाइपर कैम अपलिकेशन में चलते हैं कंगे वो वाला हाइपर कैम भी मैं आपको दिखा देता हूँ जब आए गए हैं तो इंस्टॉल डन तो ये ये वो है जो मैंने अभी आप आपको बताया था इसमें थोड़े से ज़्यादा फीचर हैं इसके मुकाबले लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी अच्छा काम करता है अलाउ कर देंगे ठीक है ये भी ओपन होने में टाइम लेगा थोड़ा सा ये हो गया ओपन इसके पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो बैक लेते हैं ओ सॉरी फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं बैक कर रहा हूँ ठीक है और फोटो क्लिक करेंगे एच डी आर प्लस प्रोसेसिंग ये हो गया क्लिक करेंगे सॉरी ये नॉर्मल फोटो है और ये ब्लड फ़ोटो है आपको ये वाला ब्लर फोटो ज़्यादा सही लगा या पहले वाला मतलब बैक इस वाले कैमरे का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बढ़िया लगा या इस वाले का आप अपने हिसाब से देख लेना मैं इस वाले कैमरे की भी इस वाले कैमरे की भी और बाकी सभी फ़ाइल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा देखो एक चीज़ और बताना भूल गया मैं ये जो इसका आ, स्टेटस बार है सॉरी नेविगेशन बार है वो आपको दो हिस्सों में हुआ मिलेगा इस साइड से नीचे करोगे तो आपका ये पैनल आ जाएंगे सारे वर्किंग कंडीशन में ठीक है और इस साइड से नीचे करोगे तो आपकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी अगर आपको यही यूज़ करना है इस स्टाइल में तो आप यही यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जो पुराना वाला है मीवा इलेवन का वो यूज़ करना है तो आप सेटिंग में जाना सेटिंग में जाके डिस्प्ले में जाना डिस्प्ले में जाके स्टेटस बार में जाना और ये जो आ, क्या नाम है न्यू कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन ऑन हुआ हुआ है इसको क्लिक करके ऑफ कर देना जैसे ही आप ऑफ करोगे तो आपको पुराना वाला जो है नेविगेशन बार जो है वो मिल जाएगा अभी आपका ये पुराना वाला आ गया ठीक है बाकी इतना ही था आई होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो कोशिश करूँगा जवाब देने की बाकी एक चीज़ और है तो मेरे पास जो है फ़िलहाल दो मी वाई ट्वेल्व की जी एस आई हैं एक जी एस आई तो मैंने आपको इस वीडियो में फ्लैश करके इंस्टॉल करके दिखा दी चालू करके भी दिखा दी चेक भी करा दिया कि भाई क्या क्या एरर्स हैं और एरर्स कैसे फ़िक्स करने हैं तो एक तो हो गई आज इस वीडियो में ठीक है जो दूसरी जी एस आई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करनी है कैसे नहीं करनी क्योंकि जो दूसरी वाली जी एस आई है उसको फ्लैश करने का जो थोड़ा प्रोसीजर है वो अलग है उसको कैसे फ्लैश करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो अगर इंटरेस्टेड हो तो देखना मत भूलना उस वीडियो को तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर